दांत घिस जाने के कारण ठंडा और गर्म पानी दांतों में लगता है। अगर एक या दो दांतों में ठंडा पानी लग रहा है तो दांतों में कीड़ा लगने के कारण ऐसा होता है। इसका इलाज संभव है, ये कहना है एसएन मेडिकल कॉलेज के दंत रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एस के कठारिया का। दांत घिस जाने की दृष्टि में दांतों में ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। इसका मुख्य कारण है दांतों का जो सख्त पार्ट होता है वह घिस जाता है, जिसके कारण दांतों में ठंडा और गर्म पानी लगने लगता है। यह कोई बीमारी नहीं है। अगर एक या दो दांतों में ठंडा या गर्म पानी लग रहा है तो दांतों में कीड़ा लगने की संभावना होती है। अगर ऐसा है तो उस दांत को सही किया जा सकता है। मरीज को घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह कहना है एसएन मेडिकल कॉलेज के दंत रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एस के कठारिया का। उन्होंने बताया कि हार्ड ब्रश और गलत तरीके से पेस्ट करने के कारण कई बीमारी दांतों में हो जाती हैं या दांत घिस जाते हैं। दांतों में कीड़ा लग गया है या अन्य दांतों की बीमारियों में विभाग में ऐसे मरीजों का इलाज संभव है। सामान्यतया दांतों में ठंडा गर्म पानी नहीं लगता है। हालांकि जैसे आजकल थोड़ा सा पानी का जो तापमान है कम हो गया है तो थोड़ा बहुत सबको महसूस होता है, लेकिन अगर बार बार दांतों में पानी लगता है तो उसके दो तीन कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि दांत घिस गया है। घिसने का मतलब है ऊपर से उसका जो हार्ड वाला सब्सटेंस होता है एनेमल, वो घिस जाता है तो डेंटिन वाला हिस्सा जो है वो खुल जाता है, उसमें नर्व्स होती हैं। तो नर्व्स में कोई भी ठंडा गर्म खट्टा मीठा लगता है तो फिर उसमें पानी लगने लगता है। और जब दबाते हैं उसको खाना खाने के लिए, रोटी है और कोई खाद्य पदार्थ दबाते हैं या चाय पीते हैं तो तकलीफ होती है, दर्द होता है। और जो तीसरा कारण गर्म पानी भी सर लगता है और गर्म ठंडा मीठा सब चीज़, तो कोई ठंडी चीज़ जो गर्म खा नहीं सकते एकदम सर, उसका नॉन मेनली यही कारण होता है। और अगर केवल एक ही दांत में ऐसी कोई परेशानी है, सब दांत में नहीं लगता है, एक ही दो दांत हैं, तो उसमें जो दांत में कीड़ा लगना जिसको बोलते हैं कैविटी होने की संभावना होती है, जिसमें दांत में गड्ढा हो जाता है, वो काफ़ी गहराई तक जाता है। एसएन मेडिकल कॉलेज के दंत रोग विभाग में नए उपकरणों से एक्सपर्ट टीम के साथ दांत के रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 8-10 वर्षों में दांतों का वह इलाज संभव हो पाया है जिसके लिए प्राइवेट डॉक्टर से इलाज में मरीज को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता था। डॉक्टर कठारिया के निर्देशन में मरीज को बड़ी राहत मिल रही है। यही कारण है कि दांत के रोगों से पीड़ित मरीज इलाज के लिए प्राय रोज मेडिकल कॉलेज पहुँचकर अपना इलाज करा रहे हैं। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।